हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। अब रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि उन्हें एक 60,000 रुपीज का पीसी बिल्ड करना है, जिसके अंदर उनको 3D रेंडरिंग करना है और 3D मॉडलिंग करना है इन CAD एंड CAM, जो भी आप बोल लो वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें 3D डिजाइन बनाते हैं, और उनका बजट सिर्फ 60,000 था। हमारा पीसी बिल्ड स्टोर खुल ही चुका है, तो हम लोगों ने उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वोटेशन देने की कोशिश की। उसी क्वोटेशन के बारे में डिस्कस करने इस वीडियो में आया हूं। तो सबसे पहले 60,000 का बजट था, तो उसमें हम लोगों को, जैसा कि आप जानते हो कि 3D रेंडरिंग करना रहता है, तो उसमें CPU अच्छा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सिंगल कोर काउंट की स्पीड पे रेंडरिंग ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे केस में CPU जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है वो है इंटेल का 12400F। आप जानते ही होंगे इसकी प्राइस बहुत ही कम हो चुकी है, जब से 13th generation 14th generation लॉन्च हुआ है, और साथ में अब तो 9000 सीरीज पीछे आप देख ही सकते होंगे, मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, जुलाई में लॉन्च होने वाला है, वैसे अगला वीडियो उसी के ऊपर आने वाला है। तो 12400 की प्राइस बहुत कम हो चुकी है, 10,000 के नीचे आपको मिल जाएगा। सो इस CPU को हम लोगों ने रिकमेंड किया, 10,000 के आसपास मिल जाएगा। सेकंड, अब ये जो CPU है ना, ये स्टॉक कूलर जो आता है इंटेल का, बेकार सा होता है, AMD से तो बेकार सा ही होता है, वो तो सबको पता है। अब इस स्टॉक कूलर की प्रॉब्लम ये है ना कि ये ठीक ठाक हैंडल कर लेता है, लेकिन जब आप एकदम 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक आप CPU को निचोड़ देते हो 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए, तो वो थर्मल थ्रॉटलिंग करने लगता है और 90 डिग्री के ऊपर आराम से चला जाता है स्टॉक कूलर पे इसके टेम्परेचर्स। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि 12400F अगर आप यूज कर रहे हो तो एक डिसेंट सा सस्ता सा 1200-1500 रुपए का भी आफ्टर मार्केट एयर कूलर ले लो और उसको लगा दोगे, आराम से आपके टेम्परेचर्स अंडर कंट्रोल रहेंगे 60s के आसपास। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है एयर कूलर एंटी स्पोर्ट्स का i6-612-612V2 ARGB। अब इसका version 1 भी आता था जिसमें ARGB पंखे नहीं थे, अब version 2 V2 निकाला है इन्होंने सेम प्राइस पे, अब ARGB का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और ये 1500-1400 के आसपास मिलता है। नेक्स्ट जो मदरबोर्ड है, अब मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चूज करके रिकमेंड किया अपने कस्टमर को, जो कि है MSI का प्रो B760MP DDR4। अब जाहिर है कि 60,000 बजट है तो आप DDR5 के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि DDR5 में मदरबोर्ड भी महंगा आएगा, वैसे 200-300 रुपए ही महंगा था, सेम इसी वर्जन का DDR5 वेरिएंट भी आता है, लेकिन उस केस में हम लोगों को RAM DDR5 लगाना पड़ता, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाता, हमारे बजट को एक्सीड कर जाता, इसलिए हम लोग DDR4 RAM के साथ ही गए हैं। अब हम लोग कहने के लिए तो H610 मदरबोर्ड के पास भी जा सकते थे, इसमें सिर्फ 2 ही RAM स्लॉट आती है, बट वहां पे गड़बड़ ये थी कि 2 RAM स्लॉट होने की वजह से अभी तो 8GB डुअल चैनल में लगा लेंगे 16GB, लेकिन अगर फ्यूचर में उनको एकदम हैवी रेंडर करना हो या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल्स हो, लेयर्स हो, एक तरीके से बड़ा डिजाइन हो, तो उस केस में रैम भी ज्यादा लगता है, तो उस केस में हो सकता है उन्हें 32GB पे या 24GB पे अपग्रेड करना हो, बट 2 ही RAM स्लॉट रहते हैं अगर हम लोग H610 मदरबोर्ड की तरफ जाते, तो उस केस में मदरबोर्ड में वो रैम अपग्रेड नहीं कर सकते थे इजीली, बट ये जो मदरबोर्ड है इसमें 4 RAM स्लॉट्स आते हैं, तो 2 ऑक्यूपाइड हो जाएंगे 8GB के 3200 MHz। रैम हम लोगों ने यहाँ पे रिकमेंड किया है XPG का D30 3200 MHz का, आप सब लोग जानते ही होंगे, 2 स्लॉट खाली रहेंगे, तो फ्यूचर में वो 32GB पे भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब SSD हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है Crucial का P3+ 500GB का Gen 4 NVMe SSD है, 3500 MBPS की रीड एंड राइट स्पीड आती है, और ये 3500 के अराउंड मार्केट में मिल जाता है। अब देखो, OS और सॉफ्टवेयर रखने के, इंस्टॉल करने के लिए 500GB तो एटलीस्ट लगता ही लगता है, बाकी ये क्लाइंट का, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जितना आप स्टोरेज बढ़ाओगे उतना आपका बजट बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पावर सप्लाई जो हम लोगों ने यूज किया है वो है डीपकूल का PF550 80+ वाइट सर्टिफिकेशन के साथ आ जाता है, न ज्यादा महंगा है न ज्यादा सस्ता है, बट एकदम रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से फ्यूचर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, 3 साल की वारंटी रहती है इसमें। मैं तो रिकमेंड करता हूँ PF सीरीज के नीचे जाओ ही मत, वो जो एंटी स्पोर्ट्स का VS वैल्यू सीरीज आता है या फिर एंटेक का एटम आता है, अगर ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड लगाने जा रहे हो अपने PC में, तो उन सब पावर सप्लाई से भाई दूर ही रहना, जिनमें कोई भी रेटिंग नहीं आती है। और नेक्स्ट स्टार ऑफ द शो GPU जो हम लोगों ने यूज किया है वो है RX 6600 8GB, वो भी ASUS का। ASUS का आप जानते हो ज्यादा टफ होता है, मतलब क्वालिटी
अच्छी होती है और ये 20,000 के अराउंड मिल रहा है अभी मार्केट में। सो पहले हम लोगों का जो एम था कि RTX 3060 हम लोग लगा लें इसी बजट में, बट इस बजट में आ नहीं रहा था। 63,000-64,000 के अराउंड जा रहा था उसका बजट। अब आप जानते ही होंगे कि RX 6600 ऑलमोस्ट 3060 के परफॉर्मेंस जितना ही परफॉर्मेंस दे देता है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में कमी है, मतलब 5-6%, बट RX 6600 20,000 का है और RTX 3060 12GB 26,000 के अराउंड स्टार्ट होता है। एंड एक और डिफरेंस है कि उसमें 12GB VRAM आती है, इसमें 8GB आती है। सो बजट के अंदर हम लोगों को बिल्ड करना था तो हम लोगों ने RX 6600 ही यहाँ पे यूज किया है। अब कहने को तो आप बोल सकते हो कि यार NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं किया, NVIDIA में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आता है रेंडरिंग में, 3D रेंडरिंग में, डीकंप्रेसिंग कंप्रेसिंग में। हाँ मैं बात समझ रहा हूँ सही, लेकिन बजट भी तो एक्सीड हो रहा था तो कस्टमर चाह ही नहीं रहे थे, तो हम लोग फाइनली कुछ कर नहीं सकते हैं। अब 3050 लगाते तो भाई 3050 का रॉ परफॉर्मेंस ही विदाउट RTX रे ट्रेसिंग फीचर 1660 सुपर के पास आता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस लूज हो जाता। अब उससे ज्यादा ही परफॉर्मेंस RX 6600 निकाल के देगा। सो हम लोगों ने RX 6600 यूज किया। आप 3060 भी यूज कर सकते हो, बस उसका 6000 प्राइस ज्यादा है। अब लास्ट में हम लोगों ने जो कैबिनेट यहाँ पे यूज किया है वो एकदम बजट में आने वाला एंटी स्पोर्ट्स का 205 ARGB 3500 के अराउंड आता है, 3500 के अराउंड, लेकिन 4 ARGB पंखे मिल जाते हैं आपको इसमें और टेम्पर ग्लास वो सब वगैरह, तो एंटी स्पोर्ट्स का आपने देखा ही होगा एक नंबर जबरदस्त रहता है। सो हमारा जो टोटल क्वोटेशन आता है वो अराउंड 57,200 आता है और यहाँ पे कस्टमर का ये डिमांड था कि भाई 60,000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने 57,200 के आसपास बिल्ड कर लिया। साथ में विंडोज का रिटेल की जो है वो 850 के अराउंड रहता है, तो वो 58,100 के आसपास इनका बिल्ड हो जाएगा। साथ में शिपिंग अगर वो करवाते हैं तो शिपिंग भी 800-900 रुपए लगते हैं इंडिया के किसी भी कोने में पहुंचाने में, तो शिपिंग का भी 800-900 रुपए कैलकुलेट कर लें तो 59,000 के आसपास इनका पीसी बन जाएगा, जो कि RTX 3060 लगाते तो नहीं होता, वो फिर 65,000 चला जाता। और साथ में एक चीज मैं बताना भूल गया कि उन्हें हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी थी, जब वो 3D रेंडरिंग से बोर हो जाए तो थोड़ा गेम भी खेल सकें। देखो रेंडरिंग में क्या होता है ना कि CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो मैटर करती ही है, बट ऊपर से जब आप उसको रेंडर करने जाओगे तो GPU की भी परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि 3D चीजें हैं, जस्ट लाइक इन गेम्स 3D चीजें रेंडरिंग करनी रहती हैं तो GPU का रोल आता है, तो इक्वली CPU और GPU दोनों इंपॉर्टेंट थे यहाँ, और दोनों को हम लोगों ने बैलेंस करके चला। CPU कभी भी बॉटलनेक नहीं करेगा GPU को इस केस में, इवन आप RTX 3060 भी लगाते हो तो भी बॉटलनेक नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये क्वोटेशन? 60,000 के बजट पे होते और आपकी जो भी नीड्स रहती तो आप किस तरीके का PC बिल्ड करते, कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी PC आपको बाय करना हो या क्वोटेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, PC बिल्ड गाइड चाहिए कि मैं इस बजट में मुझे ये करना है तो मैं क्या करूं, क्या लगाऊं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 8108396327, मंडे से सैटरडे तक सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक व्हाट्सएप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल ही कर लेना डायरेक्ट, या फिर मैसेज तो 24 घंटा कर सकते हो आप, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम लोग ऑल ओवर इंडिया अब शिप करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हो आप तो आपके डोर स्टेप तक अच्छे से चेक करके पैक करके, प्लग एंड प्ले वाला मामला होता है, बस PC को अनबॉक्स करो आप और PC को लगाओ और मजे करो यार। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इन फ्यूचर। वैसे नेक्स्ट वीडियो आप जानते हो ना किसका होने वाला है। बाय बाय, सायोनारा।